चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्लास स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू टू बी क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और इसका आंसर हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 है और 11 है, इन दोनों का रिलेशन सबसे पहले आपको फाइंड करना है और यही रिलेशन आपको यहाँ पर भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको तुरंत बता ही दूंगा। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20 और 11, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें से -9 कर सकते हैं एक काम, अगर 11 बनाना हो तो, अगर इसमें 9 अगर माइनस करेंगे तो हमें इधर भी 9 माइनस करना होगा, अगर इसमें से 9 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 के आसपास में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये तो हमारा लॉजिक फेल हो गया। एक काम हम यहाँ पर और कर सकते हैं, वो क्या है, अगर हम इस 20 को हाफ करें, ठीक है, अगर इसे हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा 10, और इसमें अगर प्लस हम 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। यही काम अगर हम इसमें करते हैं तो देखते हैं ऑप्शन के आसपास आता है या नहीं, तो 102 है, इसे अगर हम हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा 51, और 51 में अगर हम प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 52, और ऑप्शन में आपको 52 यहां पर दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, सो आंसर क्या आएगा 52। अगर आपको कोई और लॉजिक मालूम है तो आप हमें कमेंट करके इसका लॉजिक हमें बता सकते हैं। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का कुछ है, 6 है, 4 है, 1 है, 5 है, और इसका रिलेशन आपको दिया हुआ है 5, 3, 0, 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका रिलेशन फाइंड करना है और यही रिलेशन आपको इधर भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप माइंड यूज कीजिए और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना है, 6 है, 4 है, 1 है और 5 है, और यहाँ पर 5, 3, 0, 1, अगर यहाँ पर हम गुना करते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो एक सिंपल सा लॉजिक का ये मेथड आता है, इसमें अगर आप देखें तो 6 में अगर हम -1 करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 दिख रहा होगा, ठीक है, अगर 4 में अगर हम -1 करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, अगर 1 में हम -1 करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 दिख रहा होगा, और 5 में अगर -1 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग यूज करेंगे थोड़ा सा एडवांस, बट यहाँ पर इजी जो है आपको दिया रहेगा। सो कितना दिया हुआ है, 7, 8, 9 और 6 है, इसमें से सब में हम -1, 1 कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा 5। सो जिसमें यहाँ पर आप दिख रहा होगा 6, 7, 8, 5 वही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपको ये दिख रहा होगा 6, 7, 8, 5, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर और कोई लॉजिक अगर आपको मालूम है तो आप